नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने रखी हुई है, यह मेरा एडेनियम का पौधा है। ये 1.5 साल पुराना है। इसमें पिछले साल रेड कलर के फ्लावर्स भी आए थे। इस बार जाड़े में इसके कुछ पत्ते लगते हैं कि ख़राब हो रहे हैं। और दोस्तों, एडेनियम के बारे में मुझे आपसे बातें करनी है कि एडेनियम जब आपके पास है तो उसे आप साल में एक बार या दो बार रिपोर्टिंग कर दें, एक गमले से निकाल के दूसरे गमले में ले जाएं। ये कम से कम साल में दो बार करें। एक तो आपको फरवरी का महीना ठीक है, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में, और दूसरा आप सितंबर से लेकर नवंबर तक के बीच में दो बार इसका साल भर में रिपोर्टिंग कर दें। खाद वगैरह देते रहें तो ये अच्छी तरह से डेवलप, इसके जो बॉल हैं वो अच्छी तरह से डेवलप करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी को आज हम लोग इस गमले में जो खाली यहाँ मैंने रखी हुई है इसमें रिपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें गमले में हम लोग इसकी तैयारी कर लेते हैं कि कैसे तैयारी करते हैं। तैयारी पहले कर लेते हैं, इसके बाद इसको हम लोग इसमें से निकालेंगे। तो तैयारी करने में देखनी ये है कि इस गमले में सबसे पहले ड्रेनेज होल जो है उस पर आप ये रख दो, खपटे के टुकड़े हैं इसको, और एक दो और बन गए हैं तो इसको भी मैं इसमें नीचे रख देती हूँ, इसके बगल में ही रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। चलो यहाँ रख देती हूँ। दोस्तों, इसका एडेनियम का बीच बीच में आपको ख्याल रखना है कि ये ऐसा ना हो कि इसे भोजन की कमी हो जाए। दूसरी चीज़ है एडेनियम के बारे में कि एडेनियम को हम लोगों ने इसके सॉयल पहले से बना के रखे थे। अब ये आप देख रहे होंगे कि मैं इसमें स्टोन डाल रही हूँ। ये छोटे छोटे जो आपके निकलते हैं स्टोन, उसको आप इसमें पहले एक लेयर आप इसका डाल दीजिए। तो मैं इसको डाल देती हूँ, इसके बाद फिर आपसे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसमें ग्रेवल्स को बिछा दिए हैं, आप इसको देख लो। इसी तरह से मैं इसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे स्टोन, जिसको ग्रेवल्स बोलते हैं, उसको बिछा देती हूँ। पहला लेयर इस तरह से। इसके बाद समय आता है कि इसमें सॉइल डाला जाए। तो सॉइल तो आप ने मेरा वीडियो देखा होगा कि मैं बोनसाई सॉइल कैसे बनाती हूँ, तो उसको बनाकर मैं रखी हुई हूँ, उसी को मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब क्या करो, आप इसमें सॉइल डाल दो। थोड़ी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा सॉइल नहीं डालनी है अभी, बाद में हम लोग ये जो बड़े टुकड़े आए उनको थोड़े से किनारे कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमें रूट रखनी है। हल्का सा इसको हाथ से ऐसे करके दबा दें, बस। अब मैंने जो आपको प्लांट दिखाए थे उसे मैं पुराने वाले पॉट से निकाली हूँ। इसके नीचे में रूट में देखे जी क्या स्थिति है, तो इसको हल्का सा मैं साफ कर देती हूँ पहले। ये थोड़े ज़्यादा ही क्या है, इसमें कुछ रूट वगैरह है या क्या है, क्या है, चलो ये लगता है गंदगी थी। तो इस तरह से इसको आप साफ कर लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मिट्टी रहने भी दें। साथ में मैं अभी इसको
और कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें मैंने देखे हैं कि इसमें हल्की सी छोटी छोटी कलियां आ रही हैं, तो इसका मतलब ये फ्लावर्स देने वाला है। अभी इसको ऐसे ही मैं इसमें रिपोर्ट कर दूंगी। ऐसे भी इसके रूट्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, ऐसे नहीं बढ़े हैं कि ये बूढ़ा लग रहा हो या सेब से बाहर जा रहा है, तो इस तरह ये लग रहा है। तो इसको हल्के से साफ करने के बाद इसको रिपोर्ट कर देना है। तो रिपोर्ट करने में इसको ले आते हैं इस गमले में। और अब आपके मर्जी पर है कि आप इसको किस तरह का शेप देना चाहते हो, कैसे रखना चाहते हो, किनारे रखना चाहते हो, बीच में रखना चाहते हो, कैसे रखना चाहते हो, ये आपकी मर्जी पर है। तो मैं मुझे कोई खास ये नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं इसे ऐसे रखूँ तो अच्छा है। तो इसके लिए अभी तो इस दीवार से ही अराने पड़ेंगे, मुझे बाद में ठीक करने होंगे। तो मैं अभी दीवार से इसको अरा के तब इसमें बाकी मिट्टी भरती हूँ। नीचे मिट्टी ठीक ही है, सही है, थोड़ी मिट्टी भर देती हूँ, इसके बाद फिर इसका सही करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी नहीं रहेगी तो ये खड़े नहीं रह पाएंगे। दोस्तों कभी कभी इसमें वायरिंग के थ्रू भी सीधा करके रखना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्लांट अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है कि इसे वायरिंग दे के ठीक करूं। अभी इसको मैं ऐसे ही मिट्टी दे देती हूँ। ये उधर सो रहा है, अभी इत्मीनान से नींद आ रही है। दोस्तों ये जहाँ तक पहले गमले में जहाँ तक मिट्टी में था उतना ही मिट्टी में रखें, उसे ज़्यादा मिट्टी में इसको ना रखें, जितना पहले मिट्टी में था। हाँ आप थोड़ा सा इसका ये बदल सकते हो कि पहले थोड़ा ऐसे टेढ़ा था तो अब मैं सीधा कर लूँ, या पता ना आपको दिखाई दे रही है वो कर सकते हो, लेकिन जितना भाग इसका पहले मिट्टी में था उतना ही भाग रखें। या कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा और ऊपर कर लेना है तो आप थोड़ी सी ऊपर कर ले सकते हो। तो मुझे ऐसे ही ये ठीक लग रहा है, ऐसी अवस्था में तो लगता है जैसे कोई आदमी बैठा हुआ है, इस तरह का लग रहा है। इसके हल्के हल्के वाले रूट जो हैं वो अभी फीडर रूट हैं, इनको अभी मैंने टच नहीं किया है, क्योंकि अभी इनको मैं टच करना नहीं चाह रही थी कि अभी टच नहीं करूँगी, बाद में इसको देखते हैं कुछ दिनों के बाद जब ये फिर सेट कर लेगा यहाँ पर, तो इसके बाद इसको देखेंगे। आराम से आप बैठे रहो, हम लोगों ने आपको नई मिट्टी और नए ये दे दिए हैं, खाद दे दिए हैं, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसी में आराम से रहेंगे। तो जितना भाग इसका पहले मिट्टी में था उसी तरह से मैंने इसको फिर से दुबारे रख दिया है। कुछ ईंट वगैरह है जो एक तरफ आ जा रहे हैं, मिट्टी में जो हम लोगों ने ईंट मिलाए थे वही है। ऐसे देखो इसके शेप कैसे दिख रहे हैं ऐसे। तो दोस्तों इस तरह से पानी का समय आ गया है, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि जब प्लांट लगाने हैं तो अच्छी तरह से पानी दे दो, पूरी से पानी दो। पहली बार जब प्लांट लगाते हैं तो अच्छे से पानी देना चाहिए, लेकिन मैं आज ये बात आपसे नहीं करूँगी। आज मैं आपसे कहूंगी कि नहीं दोस्तों, जब एडेनियम का आप रिपोर्टिंग करो तो पानी आप बहुत सोच समझ के कम दिया करो, ज़्यादा पानी इसमें मत दिया करो। इसको स्प्रे करके इसमें पानी देना है। तो इसमें स्प्रे करके कैसे पानी देनी है, तो एक स्प्रे वाला आप ले लो,
और इससे आप इसमें इस तरह से पानी दो, दिख रही है मुझे? ऐसे इधर से दिखाई नहीं दे रहा है कि आप देख पा रहे हो या नहीं। इसको बीच बीच में पंप करके ठीक भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, जब फर्टिलाइजर की बहुत आवश्यकता इसको नहीं है, साल में बस दो बार फर्टिलाइजर दो, जाड़े में इसको फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है, तो मत दिया करो। और पानी इसमें गर्मी के दिन में दो दिन के बाद और जाड़े में आप इसको चार पाँच दिन के बाद पानी दिया करें। हो सके तो इसकी मिट्टी चेक कर लिया करें कि इसकी मिट्टी अगर ड्राई हो रही है तब जाके पानी दें। अभी इसको ठंड में रखनी है, एक दो दिन के बाद इसको हम ले जाएंगे धूप में, अभी धूप में नहीं ले जानी है। तो दोस्तों, इस तरह से एडेनियम का रिपोर्टिंग कैसे करें, ये वीडियो हम लोगों ने आपस में शेयर की है। और इसको इसी तरह स्प्रिंकल करके पानी दे देना है। जब फर्टिलाइजर आप दें तो आप 10-10-10 वाली जो फर्टिलाइजर लिक्विड फर्टिलाइजर है वही दिया करें। तो इसी के साथ नगीना शर्मा आप लोगों से आज विदा लेगी, फिर अगले वीडियो में मैं मिलूंगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, और मेरे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। दोस्तों को ये कहते हुए कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किया करें, ताकि मेरी भी हिम्मत बनी रहे और मैं वीडियो आपके से शेयर करती रहूं।